हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये कॉमन एक कॉज है, कॉमन एक एलिमेंट है। तो बेसिकली गाइस, अब हम बात करते हैं एक्सेसिव पेंटिंग के बारे में। अब गाइस, ये पेंटिंग होता क्या है, यानी एक्सेसिव मात्रा में अगर आपका डॉग हाँफ रहा है यार, वो नॉर्मल ही पेंटिंग ही क्यों ना कर रहा हो, तो बेसिक से इनके पीछे कुछ मेन जो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव पेंटिंग हो रही है। तो गाइस, बेसिकली जो पेंटिंग आपका जो डॉग करता है, वो पेंटिंग करने का मेन रीज़न क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इवेपोरेटेड वाटर का, यानी अपनी जो डॉग की बॉडी के अंदर जो लंग्स पाए जाते हैं या जो मॉइस्ट जो सरफेस है, लाइक जो माउथ की जो लाइनिंग होती है, अब वहाँ से अगर वो एक्सेसिव पेंटिंग करेगा तब जो आपका जो डॉग है नॉर्मल एक मात्रा में वाटर को इवेपोरेट कर सकता है। तो यानी एक हीट का लॉस करने की आपके डॉग कोशिश करेगा। वैसे ही गाइज, नॉर्मल सी बात है, आपका जो डॉग का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल 102 से 103 रहता ही रहता है। अगर गर्मियों का सीज़न है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हीट स्ट्रोक भी होने के। तो कई बार ऐसा रीज़न हो जाते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंबाइन होकर एक्सेसिव एक पेंटिंग का रूप धारण कर लेती हैं। तो बेसिकली गाइज, जब भी हम पेंटिंग की बात करते हैं तो दो टाइप की पेंटिंग्स होती हैं। एक होती है गाइज नॉर्मल पेंटिंग और दूसरी होती है एक्सेसिव पेंटिंग, यानी जिसे हम ओवर पेंटिंग भी बोल देते हैं। नॉर्मल पेंटिंग के अंतर गाइज, जैसा कि आप बेसिकली देखोगे, आप अपना पपी को या अपने डॉग को घुमाने लेके जाओगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाओगे तो वो नॉर्मल करेगा, उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपका जो डॉग है वो एक्सेसिव पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, या कई बार क्या होता है उसके लंग से साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है, कभी जो हर्ष जो साउंड होती है यानी जो घुर घुर बोलने की आवाज़ है वो आती है। जैसे ही आप वेटनेरियन से डायग्नोस करवाओगे यानी स्टेथोस्कोप से, तब पता चल जाएगा कि जो छाती होती है यानी जो ब्रीज चेस्ट वाला जो रीजन होता है वहाँ से एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और बेसिकली एक्सेसिव पेंटिंग से वो एक्सेसिव ड्रूलिंग भी करेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा लार उसके नीचे गिरने लग जाएगी। तो इनके मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले तो गाइस, मेन रीज़न हमारे पास ये आता है कि आपका जो डॉग है किसी भी एंग्जायटी से सफ़र कर रहा हो, कोई भी चिंता हो उसे किसी भी चीज़ की, या उसे खाना नहीं मिला है, वो स्ट्रेस में चला गया है, या बेसिक सी बात है उसे कोई ना कोई फीवर ज़रूर हुआ है, सॉरी फियर है, यानी किसी बात का उसे डर है, तो इस वजह से वो पेंटिंग कर रहा है। अब गाइज, अब हम बात करते हैं पेन के बारे में। अगर आपके डॉग को पेन हो रहा है, वो पेन किसी भी टाइप का हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, एब्डोमन से रिलेटेड पेन हो सकता है यानी एब्डोमिनल पेन जिसे हम कहते हैं, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन हो सकता है, या और अदर एलिमेंट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो डॉग है एक्सेसिव पेंटिंग कर सकता है। थर्ड पॉइंट गाइज हमारे पास है हार्ट फेलर। अब गाइज, हार्ट फेलर का क्या कनेक्शन है? बिकॉज गाइज, हार्ट फेल तभी होता है जब ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाता है, यानी जो क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन की वो कम हो गई। अब गाइज, जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वो तो बेसिक सी बात है हाँफना स्टार्ट करेगा, हम ही क्यों नहीं है कि, बिकॉज कई बार क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हमारे अंदर भी हो जाती है, तब हम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत रैपिडली सांस लेते हैं, रैपिड ब्रीदिंग एक होती है। तो बेसिक एक रीज़न ये भी है, और साथ में गाइज लंग्स डिजीज़ आता है। अब गाइज, ये लंग्स डिजीज़ के अंदर बेसिकली लैरिंगाइटिस भी होता है, ईसोफेगाइटिस भी आ जाता है, और कई बार ना निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके डॉग के अंदर। जब आपका पपी होता है तो बेसिक सी बात है निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। निमोनिया एक बेसिक टर्म है जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, तो इसकी वजह से भी वो एक्सेसिव पेंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। और गाइज, आगे जो पॉइंट आता है हमारे पास लैरिंजियल एंड पैरालिसिस। अब गाइज, इसके अंदर क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है गाइज, लैरिंग्स एक वो पोर्शन होता है जो डायरेक्टली जो ट्रैकिया होती है जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, उसके अंदर ओपन हो जाती है। अगर गाइज उसके जो कार्टिलेजिनस फ्लैप पाए जाते हैं वहाँ पे, यानी जब भी वो ओपनिंग क्लोज आउट होती है तो उसके जो कार्टिलेजिनस जो फ्लैप होते हैं वो लूज पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डॉग फोर्सफुली उसे ओपन करने की कोशिश करता है तो वो हाँफना स्टार्ट कर देता है। बेसिक सी बात ये है। अब गाइज, ये कुशिंग नाम की एक डिजीज़ होती है। तो बेसिकली ये जो डिजीज़ होती है, जो आपका डॉग अगर मिडल एज का है या वो ओल्ड एज का ही क्यों ना हो गया हो, उसके अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर क्या गाइस क्या होता है, किडनी के सरफेस के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, वो एक कोर्टिसोन रिलीज करता है जो एक स्टीरॉयड है। अगर उसकी एक्सेसिव अमाउंट में ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो कुशिंग डिजीज नाम की हो सकती है, और आपका जो डॉग है एक्सेसिव ब्रीदिंग या एक्सेसिव सलाइवेशन भी बोल सकते हैं इसको हम, और एक्सेसिव पेंटिंग भी आपका डॉग कर सकता है।
आगे जो हमारे पास पॉइंट आता है कोर्टिसोन थेरेपी या जिसे हम स्टीरोइड थेरेपी बोलते हैं। बेसिकली गाइस कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी मेडिसिन अपने डॉग को दे सकते हैं जिसके अंदर लाइक जो प्रेडनिसोलोन है, जो प्रोलिसोन भी आती है बहुत सारी, और बेसिकली गाइस ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं और जो सांस लेने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको भी घटा देते हैं, और इसी करके आपका जो डॉग है फोर्सफुली उसको इन्हेल करने की कोशिश करता है और वो हाँफना स्टार्ट कर देता है, जो बेसिकली कुशिंग डिजीज के अंदर भी होता है, जिसे हम बेसिकली डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल देते हैं। अब जो आगे जो पॉइंट आ रहा है हीट स्ट्रोक, जो मेन पॉइंट है, बिकॉज गाइस समर के अंदर होने वाला ये एक मेन कॉज है। हीट स्ट्रोक में क्या होगा गाइस, आपका जो डॉग है एक्सेसिव ड्रूलिंग करेगा, पेंटिंग करेगा, और बेसिक सी बात है गर्मियों का सीजन है, उसकी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, तो इस वजह से उसको वाटर की अवेलेबिलिटी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो हाँफना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस बेसिक जो ये रीज़न थे जो मैंने आपको बता दिए कि एक्सेसिव पेंटिंग के हैं, आशा करता हूँ आपने इसे अच्छे से सुना होगा, अच्छे से इसे समझा होगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि हम वो फर्स्ट एड क्या दें। सबसे पहले तो गाइस आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने डॉग के चारों तरफ वाटर की अवेलेबिलिटी रखनी है, यानी उसका जब भी मन करे उसे पानी आप ज़रूर दें। और सेकेंडली आपको गाइस डाइट पर विशेष ध्यान देना है, आपको लाइट फूड देना है। बेसिक सी बात है, आपको जो फूड दोगे या जो भी आप फ्रूट क्यों ना दे रहे हो उसके अंदर वाटर कंटेंट जरूर होना चाहिए। आप कंसंट्रेटेड जो फूड होता है उसको कम करें। और गाइस थर्ड जो पॉइंट हमारे पास आता है, आपको गर्मियों के अंदर बेसिकली ORS के सॉल्यूशन आपको अपने डॉग को पिलाना है, जिसे हम बेसिकली ग्लूकोज भी बोल देते हैं, आपको अपने डॉग को वो देनी है। और अगर गाइस आपका जो डॉग है क्रॉनिक सिचुएशन में चला गया है, तब आपको इमिडिएटली अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करना है और अपने डॉग को एक फ्लूड थेरेपी, यानी जिसे हम DNS थेरेपी बोलते हैं, वो दिलवानी पड़ेगी। आपको एक जो बोतल बोलते हैं ना, जिसे हम ग्लूकोज की एक बोतल होती है, वो आपको चढ़वानी पड़ेगी। और गाइस आगे जो पॉइंट आता है, अगर आपके डॉग को किसी भी तरह का पेन है तब आप अपने डॉग को पेन किलर दीजिए, और अगर आपके डॉग को किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेंज कर रहा है, यानी राइज कर रहा है, तब आपको अपने डॉग को क्या देना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देने चाहिए। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।